मैं बिवांगी गौतम एंड विद दिस सेशन आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंडियन लिटरेचर, जहां पे हम लोग फोकस करेंगे आज आर्ट एंड कल्चर के रिवीजन पे। आज हमारा टॉपिक जो फोकस का होगा दैट विल बी इंडियन लिटरेचर। किसी का कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द सेशन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड हेल्प यू विद सीम। अच्छा, कैन यू गाइस क्विकली टेल मी द ऑडियो एंड द वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन? कोई लैग तो नहीं आ रहा? एक बार प्लीज बता दीजिए, लैग या इको का कोई इशू तो नहीं आ रहा? कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं आ रही? हेलो बेसिक्स, हेलो मुस्कान, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। ऑडियो वीडियो क्लियर है सब लोगों को? हेलो डीजे, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास, आई होप यू डूइंग वेल, ऑल क्लियर ना? एंड थोड़ा इको है, वेट, लेट मी रिड्यूस द वॉल्यूम, मैनेजेबल। हेलो हेवी, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास, आई होप यू डूइंग वेल, इज इट मैनेजेबल नाउ? एक बार प्लीज बता दीजिए। हेलो शबील, हेलो दुर्गेश, गुड इवनिंग, परफेक्ट, सिंस इट इज मैनेजेबल सो आई विल स्टार्ट, आई विल गो स्लो आल्सो। अच्छा, वॉइस में आई थिंक थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं थोड़ा सो आई रीड स्लो। हेलो तनुश्री, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास, हेलो सांता, गुड इवनिंग, मैं थोड़ा और रिड्यूस कर देती हूँ रादर वॉल्यूम, आई थिंक इतना अभी मैनेजेबल हो जाना चाहिए। चलिए, ऑन दैट नोट स्टार्टिंग विद द क्लास, देवेश मैंने और रिड्यूस कर दिया वॉल्यूम, आई थिंक इतना मैनेजेबल हो जाना चाहिए। सो बिफोर आई बिगिन, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर अबाउट द न्यू बैचेस एंड द वन सब्सक्रिप्शन दैट वी हैव गॉटन। हमारे अकेडमी के प्लस जीएस प्लस ऑप्शनल एंड आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल पे 25% ऑफ लेकर आए हैं, 10% का ऑफ यूजिंग द रेफरल कोड व्हिच इज शिवजी लाइव, एंड अल्टीमेट इसमें टेस्ट सीरीज का कॉम्बो हुआ जहाँ पे प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, एंड अगर हम साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इसके साथ साथ मेंस एंड ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज। लिमिटेड ऑफर तक ही प्राइसेस रहेंगे 1 ईयर और 2 ईयर के कोर्सेज के लिए, जहाँ पे हम लोग 28 अगस्त तक की ऑफर रहने वाला है। उसके अलावा नए बैचेस जो अकेडमी के हैं स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम द 25th ऑफ अगस्त, 22 और 23 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हम लाए हैं 1 ईयर एंड 2 ईयर बैचेस, जहाँ पे प्रीलिम्स एंड मेंस का पूरा कोर्स हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हम आप लोगों को देंगे, साथ ही साथ में जो 2021 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए वी हैव गॉटन विद व्हाट इज कॉल्ड एज अ क्विक 45-day बैच। ये जो 45-day का बैच है 2 महीने का, दैट इज फॉर 2 मंथ सब्सक्रिप्शन, अवेलेबल है 15,000 रुपीज, जहाँ पे एक्सेस टू ऑल द क्रैश कोर्सेज, एक्सेस टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 1 ईयर के करंट अफेयर्स का राउंड अप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवरेज, प्रैक्टिस एंड एनालिसिस बैच अवेलेबल इन इंग्लिश एंड द बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस। अपार्ट फ्रॉम दैट हम एकेडमी कॉम्बैट होगा इस संडे को। हेलो प्रतिमा, हेलो अभिषेक, गुड इवनिंग, वेलकम टू क्लास, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। गाइस, मेरे एंड से ना मिनिमम वॉल्यूम है, आई स्पीक स्लोअर, अगर जो इको वाला इशू हो रहा है आई एम होपिंग कि अब ना आए, क्योंकि इससे ज़्यादा कम वॉल्यूम पर तो बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आएगी। हेलो शिखा, जस्ट यूज द कोड शिवजी लाइव फॉर फ्री एनरोलमेंट, ठीक है? दैट इज बिकॉज एनएचआरसी के जो चेयरमैन होते हैं उनका जो एज लिमिट होता है ना विशाल, दैट इज 70 ईयर्स। एनएचआरसी के जो चेयरमैन बनते हैं वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ही होने चाहिए हमेशा, वो तो उनका उनका आप बोल सकते हो कि इलेक्शन क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट फोक रॉक का स्कॉलरशिप पूल है कॉम्बैट में जो 22 अगस्त को होगा, टॉप 500 रैंकर्स के लिए अवेलेबल है पूल, करंट अफेयर्स अवेलेबल होंगे कॉम्बैट में, 56 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स। हेलो एमएम, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास, आई होप यू डूइंग वेल। अच्छा, स्पेशल क्लास जो होगी हमारी वो 9:15 पे होगी, आई एम सो सॉरी फॉर टू पुट अबाउट इट, आई क्विकली रिमाइंड अनअकैडमी का, आप जिन भी लोगों ने डाउनलोड नहीं करा प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी पर हम लोग एक स्पेशल क्लासेस का इनिशिएटिव लेकर आए हैं, जहाँ पे हम लोग प्रीलिम्स से रिलेटेड जो अभी पार्ट पढ़ रहे हैं इसी का एमसीक्यू क्लास होगा 7-9 से, इट विल बी 45-minute क्लास, वी विल बी डिस्कसिंग इट देयर। ठीक है, अच्छा नहीं, आई विल गो स्लो, थैंक यू फॉर दैट अमन, सेम टू यू। चलिए, अगर अब हम बात करें इंडियन लिटरेचर की, इंडियन लिटरेचर क्या है, कैसे इवॉल्व हुआ, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेडाइसेस थे, कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, हाउ डिड इट कम इनटू बीइंग, एक एक करके देखते हैं। इंडियन लिटरेचर की कभी भी बात करें कहाँ से उठ के आया, तो सबसे इंपॉर्टेंट जितना रिलीजियस वर्क है, क्रॉनिकल्स के अलग अलग राजाओं के, मंक्स के जो एंशियंट फिलोसफी में काम करते थे, किसी भी एंशियंट फिलोसफी में जो वर्क्स होते थे, इन सब से इंडियन लिटरेचर का प्राइस होता है। जहाँ पे बेसिकली हमने देखा कि रिलीजन एंशियंट इंडिया में कैसे डेवलप हुआ,
कौन से राजा के टाइम पे किस तरीके का वर्क पेट्रोनाइज किया गया, ठीक है। उसके बाद अनदर पार्ट विच वी हैव सीन इज कि रिलीजन के साथ साथ बी इट रिलीजन बी इट ट्रेड, ये सारे जो डायनामिक्स हैं इन सब ने शेप करा इंडियन लिटरेचर को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको इंडिया इंडिया की लिटरेचर में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखने को मिलती हैं। या फिर विच किंग पेट्रोनाइज्ड व्हाट, या किंग का जो बायोग्राफी हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट आपको इंडिया की लिटरेचर में देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया डाउट क्वेरी क्वेश्चन कन्फ्यूजन को, ऐसा पार्ट जो यहाँ पे नहीं समझ में आए एक बार प्लीज बता दीजिए। येस नो एनी पार्ट विच इज अनक्लियर टू यू, येस नो क्लियर, ये वाला पार्टी को बताएंगे, दिस पार्ट इज क्लियर, ग्रेट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर आप हमारे कहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है इंडिया की लिटरेचर की, हेलो माले गुड इवनिंग वेलकम टू द क्लास। अच्छा ये पार्ट तो हम सबको पता है कि इंडिया में अगर हम स्क्रिप्चर्स की बात करें, स्वप्निल आई नो थोड़ा सा इशू आ रहा है वॉइस में, मेरे एंड से मिनिमम वॉल्यूम है यार, मैंने इससे कम करी ना तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। आई विल ट्राई टू गो स्लोअर, आई विल ट्राई टू रीड एंड रादर एक्सप्लेन इट इन अ स्लोअर, आई वुड रादर से टू, ताकि आपको आराम से समझ आ जाए, ठीक है। अगर हम बात करें आईबीसी के टाइम पे, आईबीसी के टाइम पे भी हमको स्क्रिप्चर्स मिले हैं, बट दिक्कत क्या है, आईबीसी की जो स्क्रिप्ट है ना, दैट हैज नॉट बीन डिसिपर्ड येट। तो सिंस द स्क्रिप्ट हैजंट बीन डिसिपर्ड, इसकी वजह से हम लोगों को अभी तक नहीं पता ये किस तरीके से रहते थे, इनकी सोसाइटी कैसी थी, इनका ट्रेड कैसा था, एनीथिंग रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ आईबीसी हम स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते, हमने अंदाजा लगा रखा है, ठीक है। हेलो प्रियंका, हेलो रुद्रांशु, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ऑन द अदर हैंड, अगर हम पहले इंडियन लिटरेचर की बात करें जिसको हम गोल्डन एज मानते हैं इंडियन लिटरेचर में, दैट वाज द गुप्ता पीरियड 3 से 6 सेंचुरी जो सीई पार्ट था ये वहां पे प्रेजेंट था, वेयर इन यहां पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द गुप्ता एज जिस तरीके से मुगल इन्वेजन हुआ इंडिया में, दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हुई, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने ये देखने को मिला किस तरीके से ना थॉट प्रोसेसेस चेंज, किस तरीके से हमको एक बेटर एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ लिटरेचर मिला जिसके तहत हमको ये समझ में आया कौन से राजा थे, क्या उनका किंगडम होता था, किस तरीके से वो रूल करते थे, डिसेंट्रलाइज सिस्टम था या सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर था, क्या वहाँ पे किसी भी तरीके का हेरिडिटरी रूल होता था, ये सारी चीजें हमको इस लिटरेचर के थ्रू पता लगी। उसके बाद जैसे जैसे कॉलोनियल पीरियड आता गया, यहाँ पे लिटरेचर धीरे धीरे और डेवलप होता गया नेशनलिस्ट लिटरेचर के फॉर्म में, जहाँ पे लोगों का मेजर काम होता था टू इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ इंडिया टू इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए लड़े। तो अगर हम कभी भी प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक और मॉडर्न इंडिया अगर ऐसे आ जाए, आईबीसी का स्क्रिप्ट अभी तक हमको पता नहीं है, सो दैट इज स्टिल अ क्वेश्चन, क्वेश्चनेबल जोन फॉर अस, क्वेश्चन मार्क है वो भी हमारे लिए। उसके बाद अगर हम एंशियंट इंडिया में आए या मिडिल एंशियंट इंडिया में अगर हम गुप्ता पीरियड देखें, गुप्ता पीरियड में वी नो एवरीथिंग अबाउट द किंगडम, किस तरीके से बनाए जाते थे किंगडम्स में, किस तरीके से प्रोस्पेरिटी होती थी, जो इनका ट्रेड होता था, जो इनका रिलीजन होता था, जो इनके टेक्स्ट होते थे, जो इनके बिल्डिंग्स होती थी या मॉन्यूमेंट्स होते थे, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, ये सारी चीजें बहुत क्लियरली यहाँ पे समझाई गई है, ये समझ आ गया। And no MM literature was not formed during the Gupta period, but literature बहुत prominently Gupta period में हमको जानने को मिला उसके तहत, जिसके बारे में हमको पता लगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आए coming to the part of the Muslim invaders, Delhi Sultanate की बात करें, medieval India में हम लोगों को एक cultural thought मिला, ठीक है। medieval India में हमको ये पता लगा कि जितने भी rulers India में आए, भले ही वो अफगान आए हों, भले ही वो टर्क्स आए हों, इनका क्या इन्फ्लुएंस रहा इंडिया पे, और इस इन्फ्लुएंस के तहत ना हमको एक सिंपल सी चीज समझ में आई, एज अ पार्ट ऑफ दिस इन्फ्लुएंस इन्होंने किस तरीके से इंडिया के सेट सिस्टम को चेंज करा, या इंडिया की जो अभी तक सोसाइटी जिस तरीके से फंक्शन करती आती थी उस पे क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अबाउट दी कॉलोनियल नेशनलिस्ट लिटरेचर, जहाँ पे हम जिस भी नेशनलिस्ट लिटरेचर की बात करें, नेशनलिस्ट लिटरेचर इज द पार्ट जो सिर्फ एक मोटिव से बनाई गई थी कि हमको लोगों को इंश्योर करना है, या लोगों को यू नो इस तरीके से मोटिवेट करना है, इन्फ्लुएंस करना है, दैट दे आर मोटिवेटेड टू फाइट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। तो कॉलोनियल लिटरेचर में आप जितना नेशनलिस्ट लिटरेचर देखोगे, दैट विल हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज रिलेटेड टू स्वराज, दैट विल हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज रिलेटेड टू फ्रीडम, दिस विल हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, कि ये सारी चीजें कैसे आ सकती है, ठीक है। ये सब समझ आ गया।
कमिंग टू द पार्ट ऑफ इट जो आप बोल रहे रुद्रांशु, आईबीसी का जो द्रविड़ियन लैंग्वेज के साथ सिमिलैरिटी आई, आई थिंक ये इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में आया था, इन वन ऑफ द रिसर्चर्स दिस केम अक्रॉस। आई विल टेक एक्सप्लेनर क्लास ऑन दिस, क्या सिमिलैरिटी आई, कहां से कंपैरिजन आया, वो हम अलग से कर लेंगे, ठीक है। कमिंग टू योर क्वेश्चन है मैम कि गुप्ता पीरियड से पहले या आईबीसी के अलावा क्या लिटरेचर होता था, उस टाइम पे लिटरेचर इतना प्रोमिनेंट नहीं होता था क्योंकि लोग केव्स में रहते थे। नियोलिथिक चालकोलिथिक पीरियड देखो, मेसोलिथिक पीरियड देखो, हम कंटिन्यूसली डिस्कस करते आए हैं ना हाउ द पीपल ऑफ दोस पर्टिकुलर एरियाज पर्टिकुलर एजेस केव्स में रहते थे, पेंटिंग्स करते थे, उसके थ्रू हमने जितना डिसिपर करा वो हमारी समझ, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया, डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन। अब कमिंग टू द लिटरेचर, एक एक करके अगर हम देखें, एंशियंट भी देखेंगे, वेदा वाला पार्ट जो आया, वेदास में किस तरीके से पार्ट आया, फॉलोड बाय मिडिवल का टेक्स्ट एंड देन द मॉडर्न इंडिया का टेक्स्ट, ठीक है। वैदिक लिटरेचर की बात करें, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्सेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री जो हम जानते हैं। सो हम जब नियोलिथिक चालकोलिथिक पार्ट से उठकर जब हम एक सिविलाइजेशन की तरफ बढ़े, ठीक है। लास्ट स्लाइड का लास्ट पॉइंट, लास्ट स्लाइड का लास्ट पॉइंट था, ये जो आइडियल्स थे ना, स्वराज फ्रीडम रिपब्लिक, ये सब नेशनलिस्ट लिटरेचर के थे जहां से इंडिया के लोगों को मोटिवेट किया गया कि आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़िए, ठीक है। हेंस केम अ लॉट ऑफ पोएम्स, हेंस केम अ लॉट ऑफ आइडियल्स, जैसे जो आप रामप्रसाद बिस्मिल की जो पोएम्स पढ़ेंगे, या आप महात्मा गांधी की जो ट्रेटाइसिस पढ़ेंगे, या जो आप जवाहरलाल नेहरू की ट्रेटाइसिस पढ़ेंगे, तो कोई नेशनलिस्ट लिटरेचर था जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता था, मोटिवेट करता था, ठीक है, समझ आ गया। नाउ कमिंग टू द लिटरेचर वाला पार्ट, ये किस तरीके से वर्क करता है, हमने जब देखा वैदिक लिटरेचर, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वर्क्स ऑफ लिटरेचर इन ह्यूमन हिस्ट्री, जहां पे जनरेशन टू जनरेशन दिस हैज बीन पास्ड ऑन, पहले रिटन फॉर्म में, उसके बाद वर्बल फॉर्म में ये पास ऑन की जाती है। चार मेन वेदा हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदा, व्हिच हैज अ कलेक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन वैदिक संस्कृत हिम्न। सामवेद में प्रेयर्स हैं, स्टोर हाउस है, नॉलेज है, चांस है। यजुर्वेद में किस तरीके के सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करे जाने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे, किस सैक्रिफाइस का क्या रीजन होता है, क्या मोटिव होता है, उस पे फोकस किया गया है। अथर्ववेद की बात करें, इट इज अ नॉलेज स्टोर हाउस, जहां पे प्रोसीजर्स फॉर एवरीडे लाइफ की, जो पशु के लिए, कैटल के लिए, या यू नो फॉर द चिल्ड्रन, किस तरीके से प्रे करते थे लोग, जो प्रजा पशु पे वो लोग फोकस करते थे उनके वेल बीइंग के लिए, वो सब अथर्ववेद में दिया गया है। ये क्लियर हो गया डाउट, मेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो यहां पे नहीं समझ आया। कमिंग टू योर पार्ट अमन, हम इंडस वैली में ये चीज नहीं बोलते कि हॉर्सेस के बारे में नहीं पता था, हॉर्सेस के रिमेन्स हमको मिले हैं इंडस वैली में भी, हमको ये नहीं पता किस चीज के लिए उसको यूज किया जाता था, ठीक है। ये समझ आ गया डाउट, मेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन। And no, Aditi, Rigveda is not the most important of the Vedas, it is the oldest of the Vedas. It is like the foundation stone jis par baki ke Ved bane, theek hai? And Govind, coming to the part of it, ye jo char Vedon ka explanation diya hai, this is the revision class here. It is expected from 2021 aspirants ki bina ko unko pata hoga hi, theek hai? Ye this is to clear up the party, ye topics revise kar lijiye. Yahan se previous year mein kaafi sare questions puche gaye, theek hai? वेदास चार तरीके के होते हैं, जो चार टाइप्स अभी हमने बताए, ठीक है। और उसके जो सब पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, चार वेदों में जो लिखा हुआ है, वी हैव ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। बस ये मेजर चार वेद होते हैं, ये याद रख लो। हर एक एक वेद से रिलेटेड जो उपनिषद हो गए, अरण्यक हो गए, ब्राह्मणा हो गए, ये क्या होते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। कमिंग टू द पार्ट ऑफ अरण्यकास, अरण्यकास की अगर हम बात करें, अरण्यक क्या होता है, इट इज पार्ट ऑफ दैट वैदिक लिटरेचर। एंड यस, वी हैव द इको टुडे फॉर एवरीवन। आज थोड़ा सा इशू आ रहा है वॉइस में, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। कमिंग टू द पार्ट ऑफ इट, हाँ, तो अगर हम अरण्यक की बात करें, अरण्यकास जो होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर, जिसको हम रेवोल्यूशनरी या एक ट्रांजिशनल पीस बोलते हैं रिचुअल से फिलोसफी की तरफ, ठीक है। रिचुअल से फिलोसफी की तरफ का जो ट्रांजिशनल पीस है, दैट इज अरण्यक, जहाँ पे फॉरेस्ट में लिखे गए, कंक्लूडिंग पार्ट है ब्राह्मणास का। और यहाँ पे जो एम्फेसिस है ना, द
that is on sacrifices, but ना कि sacrifices पे, but rather on meditation. किस तरीके से जो early rituals होते थे उसको आप ना करके मेडिटेट कीजिए, जो एक फिलोसॉफिकल पार्ट है वेदास का, जो रियल मीनिंग है आप उस पर फोकस कीजिए, जहाँ पे मॉरल वैल्यूज पे फोकस किया गया है, किस तरीके से काम करना चाहिए, जिसको हम कर्म मार्ग बोलते हैं उस पे फोकस किया गया है, ठीक है. और जो कि भामनास का मेन पॉइंट होता था, दैट वे ऑफ नॉलेज आप कैसे गेन कर सकते हैं, क्लियर टू यू. अगर हम किसी भी भामना की बात करें, भामना वाज लाइक द सबटेक्स्ट ऑफ द वेदास, ठीक है. अरण्यक की बात करें, ये होता था मॉरल वैल्यू ऑफ द वेदास, मॉरल फिलोसफी ऑफ द वेदास, ठीक है. उपनिषद की बात करें, उपनिषद इज द एसेंस ऑफ द वेदास, जहां पे आप बोल सकते हो कि ये सेंट्रल है टू द थीम ऑफ हिंदुइज्म. उपनिषद की बात करें कि किस तरीके से नॉलेज अटेन कर सकते हो, वो सारी चीजें उपनिषद में दी गई है. यहाँ तक क्लियर डाउट मेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, बेसिक डिफरेंस समझ आ गया भामना अरण्यक और उपनिषद के बीच में सबको? यस नो डाउट मेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन? परफेक्ट. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर हम बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें, बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर किस तरीके से इवॉल्व हुई. बुद्धिस्ट लिटरेचर हमने कल डिटेल में डिस्कस करी थी, सो डिड वी. हमने बस जैन लिटरेचर पे एक ऊपर से टच किया था, वी डिड नॉट डिस्कस इट डीपली. दैट इज व्हाई जो बुद्धिस्ट लिटरेचर में डीपली आज नहीं समझा रही, कल मैंने पढ़ा दिया था कि किस तरीके से जो तीन त्रिपिटका है, जिसको हम जब भी हम बात करते हैं कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट की, वो मैंने डिटेल में बता दिया था. कैनोनिकल टेक्स्ट था जो बुद्धा के खुद की टीचिंग थे, खुद की जो वाणी थी, ठीक है, वो होते थे कैनोनिकल टेक्स्ट. उस कैनोनिकल टेक्स्ट पे अगर कोई डिबेट है या कोई कोटेशन है, किसी ने कुछ बोला, वो था नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, ठीक है. हाँ विशाल, वो लिटिल पार्ट में, तो उपनिषद जो थे दे वर लेटर वैदिक पीरियड, एब्सोल्युटली. नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट जो होते थे दे वर बेसिकली द कोर्ट्स या किसी भी राजा ने या किसी का भी, जो एक आप बोल सकते हो वे वेयर इन दिस है, किस तरीके से आप बुद्धा की सेइंग्स को इंटरप्रेट कर सकते, उस इंटरप्रिटेशन में भी कैनोनिकल टेक्स्ट आते हैं या बायोग्राफी ऑफ बुद्धा हो गई, तो ठीक है. ये क्लियर हो गया डाउट मेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, एनी पार्ट व्हिच इज अनक्लियर टिल हियर, यस नो एक बार प्लीज बता दीजिए. परफेक्ट. कमिंग टू द पार्ट ऑफ जैन लिटरेचर, जैन लिटरेचर में अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारा फिलोसॉफिकल वर्क है, जो कि अलग अलग अगम में लाइक हम लोगों ने कलेक्ट करा हुआ है. अगम लिटरेचर जो है, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो जितना भी जैन लिटरेचर है उसके कलेक्शन को हम अगम बोलते हैं, जहाँ पे हम लोगों के पास 12 अंग है, 12 उपांग है, 4 मूल, 2 चुल्लिका, अगर हम बात करें 2 चुल्लिका सूत्र, 6 सूत्र और 10 प्रकीर्णकास है. इन सिंपल टर्म्स अगर हम कभी भी बात करें बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर में फर्क कहाँ आता है, अगर कैनोनिकल टेक्स्ट की बात कर रहे हैं इन ऑफ बुद्धिज्म, ये जो तीन है ये कैनोनिकल टेक्स्ट हो गए, जो बास्केट में हमारे पास विनय पिता, सूत्र पिता और अविधान पिता का आता है, ठीक है. एंड जैन लिटरेचर इज अ सेपरेट टॉपिक, वो इसके साथ नहीं आता, मैंने साथ इसलिए लिखा जस्ट टू अंडरस्टैंड किस तरीके से, बिकॉज हम मेजोरिटारीली बुद्धिज्म जैनिज्म को एक कंटेम्प्रेरी वे में देखते हैं, एक दूसरे के साथ ये दोनों रिलीजन कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है. बास्केट इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ द पिटिका जो होता है ना, जो त्रिपिटिका जो टर्म होता है, इन इटसेल्फ मींस अ बास्केट, दैट इज व्हाई, ठीक है. लिटरल मीनिंग जो होता है, क्लियर टू हियर डाउट मेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, पैसा पार्ट यहां पे नहीं समझ आया, परफेक्ट. देन कमिंग टू द पार्ट ऑफ अगम, अगम होता है वो कमेंट्रीज होते हैं, जैसे जिसमें निरुक्ति हो गई, भाष्य हो गया, जो पोएट्री स्टाइल में किए गए, और जो प्रोज स्टाइल में क्या हो गया है, दैट इज करणी. तो करणी वाला पार्ट इसीलिए अगम का प्रोज स्टाइल का एक्सप्लेनेशन हो गया, एंड द पोएट्री स्टाइल विल बी निरुक्ति एंड भाष्य. क्लियर टू हियर डाउट मेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, एनी पार्ट व्हिच इज अनक्लियर टू हियर? परफेक्ट. देन कम्स द्रविडियन लिटरेचर, व्हिच इज द पार्ट जहां पे जो संगम लिटरेचर है, वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स ऑफ तमिल लिटरेचर, इसको अगेन हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, एंड ये किस तरीके से यहां पे जो डिवीजन आए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम या ऑन द बेसिस कि किस तरीके से काम करेगा, कब कौन सा पार्ट कहां पे काम करेगा, ठीक है. अदिति, जब हम थ्री फोर बास्केट की बात करते हैं त्रिपिटका, जस्ट नो वन सिंपल थिंग, कोई भी त्रिपिटका की अगर हम बात करते हैं किस तरीके से वर्क करता है, द फर्स्ट वन मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कल वाले सेशन में, सूत पिटाक हो गया, विनय पिटाक हो गया, विधान पिटाक हो गया, जो मंक्स और नंस होते हैं उनको अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए, एक डिसिप्लिनरी कोड, व्हाट टू टेक आउट ऑफ बुद्धास टीचिंग बुक एंड व्हाट टू प्रोफेस, ये सारी चीजें इसमें दी गई, लाइक अ गाइडलाइन फॉर द मंक्स एंड नंस, ठीक है.
कमिंग टू द पार्ट ऑफ संगम लिटरेचर, इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर रहा हुआ है. एक है पतिनिन मिल कनकु, दूसरा होता है पतिनिन किल कनकु. ठीक है, दोनों में फर्क क्या आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइमलाइन. द फर्स्ट वन बीइंग जो ओल्डेस्ट है, व्हिच इज 200 बीसी टू 100 बीसी, व्हिच इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल पोएट्री. एंड पतिनिन किल कनकु जो वाला पार्ट है, दैट इज फ्रॉम 180 टू 580, जिसमें 18 पोएट्री वर्क्स का कलेक्शन. यहाँ तक क्लियर? डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, कोई भी ऐसा पार्ट जो यहाँ पे नहीं समझ में आया एक बार प्लीज बता दीजिए. द मेजर पार्ट ऑफ संगम लिटरेचर दैट इज डिवाइडेड, किस तरीके से ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल पोएट्री जो है उसका सबसे बड़ा पार्ट ही डिफरेंसेस में आता है. ठीक है, होली बुक अगम इज द होली बुक जिसके अलग अलग पास है. ठीक है, क्लियर चलिए. अगर हम प्राइमरी स्टेज पे बात करें, एब्सोल्युटली विशाल लव स्टोरी ऑफ माधवी. ठीक है, कमिंग टू द पार्ट ऑफ इट, अगर हम बात करें तोलपक्कयम की, तोलपक्कयम जो है दैट इज ग्रामर, व्हिच वाज पब्लिश्ड इन लाइक समवेयर अराउंड 500 टू 200 बीसी, जहां पे संगम पीरियड में दिस वाज पब्लिश्ड बाय थिरुकुरल. जहां पे डिवोशनल लिटरेरी वर्क की अगर हम बात करें, रामायण जो की कंबन की, इट हैज अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी. अगर हम मणि मेखली की बात करें, सिलदी पदिकरम की बात करें, ये बाकी के प्रोमिनेंट एपिक्स होंगे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन. And that is the simplest part to always remember a tough spelling is to break करके. तो अगर जैसे supposedly money मेखली नहीं याद आ रही, दो parts में divide कर दो, money को अलग कर दो, make को अलग कर दो, हली को अलग कर दो, and that is how you pronounce the word, that is how you spell it. ठीक है, अगर हम modernization की बात करें, Tamil literature की बात करें, Tamil literature has seen a consistency. Tamil literature में जो उनकी poetry है, rather जो devotional literary poetry है, वो उन्होंने रामायण के फॉर्म में देखी. उससे पहले जो उनकी ग्रामर थी या उनकी जो पोएटिक वर्क था, दिस इज समथिंग वी कुड सी फ्रॉम द टू इम्पोर्टेंट टेक्स्ट. ठीक है, ये समझ आ गया? डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो यहाँ पे नहीं समझ में आया? अच्छा, नो एको, आई इंक्रीज द वॉल्यूम देन अ बिट, आई थिंक इतने मैनेजेबल होनी चाहिए. चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया? डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ आया? परफेक्ट. कमिंग टू द पार्ट ऑफ भक्ति लिटरेचर, अगर भक्ति लिटरेचर की हम बात करें, भक्ति लिटरेचर अगेन किस रीजन की वजह से आई, किस तरीके से वर्क करा? भक्ति लिटरेचर अगेन रिफ्लेक्ट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ डिवोशन टू गॉड, जहाँ पे एक पर्सनल बॉन्ड था बिटवीन द डिवोटी एंड द डेटी. जहाँ पे भक्ति लिटरेचर की बात करें, तो तमिल पोएट सेंट्स जो होते थे अल्बर्ट्स और नानियास, इनके बीच में या इन्होंने जो ट्रीटाइसेस दिए इन साउथ इंडिया, यहाँ से भक्ति मूवमेंट या भक्ति लिटरेचर केम इनटू बीइंग. जहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस रीजनल लैंग्वेजेस में भक्ति वर्क आपको देखने को मिलेगा. एक आपको डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ रिलीजियस वर्क देखने को मिलेगा, कि भक्ति ट्रेडिशन से हमको एक चीज समझ आई, दैट रिलीजन जो है ना, दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अपर कास्ट. कि रिलीजन की अगर हम बात करें, भक्ति लिटरेचर से जो एक कॉन्सिक्वेंशियल चीज देखने को मिली, रिलीजन इज फॉर ऑल, गॉड इज फॉर ऑल. ठीक है, रिलीजन इज फॉर ऑल का मतलब कि जितने भी ट्रेटाइसेस आए, जितने भी स्टोरीज आए भक्ति मूवमेंट में, जितने भी लिटरेचर का पार्ट आया, दैट सिंपली एनश्योर दैट पीपल ऑफ एनी कास्ट, एनी रीजन, एनी रिलीजन कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ सबका मालिक है, दैट कम्स ओवर हियर. क्लियर टिल हियर? डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, एनी पार्ट विच इज अनक्लियर? हेलो शिव, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास, आई होप यू डूइंग वेल. यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस, तो एक बार प्लीज बता दीजिए. I think majority part is clear till here. Perfect, perfect. उसके बाद अगर हम आए बिहार मिडीवल इंडिया, मिडीवल इंडिया इज द पार्ट जहाँ पे हमको लिटरेरी वर्क्स देखने को मिले इन वेरियस लैंग्वेजेस. तो जैसे जैसे ये लैंग्वेजेस फ्लरिश होती गई, जैसे जैसे ये लैंग्वेजेस इस्टेब्लिश करती गई ना, उसी तरीके से हमको थ्रू आउट मिडीवल इंडिया अलग अलग टेक्स्ट देखने को मिले इन द लैंग्वेजेस. समथिंग विच वॉज somehow there, which was still there in ancient India, but ancient India पे major work होता था on stories, on grammar. अगर हम medieval India की बात करें, जैसे सिंधी की अगर हम बात करें, तो 13th century में सिंधी अपना origin like throwback करती है, जहाँ पे उन्होंने romanticism के theme को focus करा. जैसे संस्कृत में poetic composition पे बहुत focus होता था, same तरीके का focus सिंधी language में भी होता था. And over a period of time, 17th century से लेके ये काफी ज्यादा मॉडर्निज्म की तरफ प्रोसीड करने लगा. ठीक है, ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट उर्दू, उर्दू का जितना भी प्रोमिनेंस था, दैट केम इन द 13th सेंचुरी, स्पेशली इन द मुगल मुस्लिम कॉर्ट्स एंड द जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था.
जहाँ पे प्रोमिनेंट उर्दू ऑथर्स की बात करें, साउथ इंडिया में भी ये प्रोमिनेंट थे, ठीक है, दी वर प्रोमिनेंट इन द मुगल कोर्ट इन नॉर्थ इंडिया ऑल्सो। एंड यहाँ पे जो गज़ल वगैरह है वो आमिर खुसरो से स्टार्ट हुई, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मीर हसन, मीर ताकी, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट। सो मिडीवल इंडिया के जो लैंग्वेजेस थे ना, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ मिडीवल इंडिया में ख़त्म होकर रह गए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे समहाउ कल्मिनेटेड विद मॉडर्न इंडिया, दे समहाउ कल्मिनेटेड विद मॉडर्न सोसाइटी, और वहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, एनी पार्ट विच इज अनक्लियर टिल हियर? येस, नो, क्लियर? आई थिंक मेजोरिटी पार्ट आई कैन सी इज क्लियर टिल हियर, परफेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर हम आए लैंग्वेजेस की अगर बात करें अगेन, जो मिडिवल इंडिया में देख रहे हैं, एसमीज द ट्रेडिशन स्टार्ट्स अगेन 13th सेंचुरी के टाइम पे, वैष्णव फाउंडर जो थे शंकर देव, वैष्णव सेक में जो शंकर देव ने क्रिएटिव ड्रामा, एपिक सॉन्ग्स, इन सबको लेकर आए वो, जिसका रिफ्लेक्शन आपको नॉर्थ ईस्ट के कल्चर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बी इट सत्रिया, ठीक है, बी इट द डांसेस, देन मणिपुरी हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, जितना भी डिवोशनल लिटरेचर है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे आपको इसका एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद वी हैव सीन अ लॉट ऑफ फेमस नॉवलिस्ट फ्रॉम कम फ्रॉम असम, बट द फर्स्ट इनिशिएशन जो अगर हम कभी भी बोलेंगे, जो एक लिटरेरी ट्रेडिशन है ना, दिस स्टार्टेड इन द आफ्टरमाथ ऑफ द भक्ति मूवमेंट, ठीक है। सो अगर आसमीज का अगर आप एवोल्यूशन देखोगे तो इट वॉज द आफ्टर माथ ऑफ भक्ति मूवमेंट, या द भक्ति मूवमेंट जिसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमको देखने को मिला। बंगाली की अगर हम बात करें, बंगाली जो स्कूल है इट फॉलो द नाथ स्कूल ऑफ थॉट, जहाँ पे राधा कृष्ण की स्टोरी को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज किया गया, जहाँ पे बंगाली लिटरेचर इनिशियली ट्रेडिशन की अगर हम बात करें मॉडर्निटी की तरफ अगर कभी गया, दैट वॉज बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स, जहाँ पे ब्रिटिशर्स जब आए उसके तहत जो चेंजेस आने लगे। मॉडर्न इंडिया में अगर हम बात करें, वी नो रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि, फॉर विच ही वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913, एंड द वे ही वर्क, या जो बंगाली लिटरेचर में जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। यहाँ तक क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो यहाँ तक नहीं समझ आया, येस, नो, एक बार प्लीज बता दीजिए। परफेक्ट। उसके बाद कमिंग टू द पार्ट ऑफ मॉडर्न लिटरेचर, He is Divyansh, absolutely right, he is. Coming to the part of modern literature in India, so Gujarati के और तो history की अगर हम बात करें, Gujarati is like 1000 AD के around इसका पहला trace हमको मिला है, but starting from the 13th century, ये धीरे धीरे develop होने लगी, it started following the romantic proses in Gujarati, जहाँ पे अलग अलग poets came into being, and present अगर हम Gujarati की बात करें, Gujarati fiction की बात करें, we have seen Gujarati evolve more or less after the oncoming of the Britishers in India, ठीक है। पंजाबी as a language we know कि somehow इसका एक advent होता है to the Aryans in Punjab, जहाँ पे इसका जो literary tradition है that started with Fariduddin Gunjshakar, ठीक है, over a period of time, सारे हैं और बिल्कुल करेंगे उनको, why not, he will be included। मैंने बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, संदर्भ का जब मैं PDF शेयर करूंगी ना, उसमें आप देखोगे रविन्द्रनाथ टैगोर के नीचे बंकिम चंद चट्टोपाध्याय हो गए, वी हैव सो मेनी अदर प्रोमिनेंट ऑथर्स, जैसे वी हैव शरद चंद चट्टोपाध्याय, इन सबके नाम आप वहाँ पे देखोगे, ठीक है, क्लियर टिल हियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, एनी पार्ट विच इज अनक्लियर? परफेक्ट। देन कमिंग टू द पार्ट ऑफ पंजाबी, पंजाबी में अगर हम बात करें, इनिशियली इट स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिवोशनल वर्सेज, जो कि आफ्टर हिज डेथ देयर वर कंपाइल्ड इन आदि ग्रंथ, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टार्टिंग गुरु नानक जी ने करी थी, जहाँ पे वो स्टोरीज बताते थे किस तरीके से हाउ टू लीड योर एवरीथिंग, जो अगर हम कभी भी बात करें पंजाबी की ना एज अ टेक्स्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ, दैट बेसिकली इन सिंपल टर्म स्टार्टेड अगर हम देखेंगे फ्रॉम गुरु नानक्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड इट फॉलोड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे विक्टोरियन नॉवल्स में हम लोगों को फ्री वर्सेस मॉडर्निज्म इन पंजाबी लिटरेचर हमको देखने को मिला, जब ब्रिटिश एजुकेशन कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ आया? अदिति, कोई भी लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होती, आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश में हर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट की जाती है, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जैसा कुछ नहीं होता, यू विल हैव टू रीड ऑल ऑफ देम, ठीक है, क्लियर टिल हियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, संतिका, इवन दैट, एब्सोल्युटली, इवन हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इज लाइक
इररिट्रीवेबल। बट हम जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करते हैं ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है इन द फॉर्म ऑफ अ सोशल रिफॉर्मर, ठीक है। एज अ नॉवलिस्ट उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज लिमिटेड। उनका मेजर फोकस आता है जब आप उनको एज अ सोशल रिफॉर्मर पढ़ोगे, जहाँ पे वेर एन ही ब्रॉट द चेंजेस इन द सोसाइटी। क्लियर टिल हियर? डाउट पेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ आया किसी को? एक बार प्लीज बता दीजिए। एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस अदिति। सो कमिंग टू द पार्ट ऑफ इट, अगर हम अगली क्लास का डिस्कशन करें, दिस वॉज द होल सेट आई हैड फ्रॉम माई एंड फॉर इंडियन लिटरेचर। अगला क्लास होगा 9:15 बजे, विच विल बी द स्पेशल क्लास ऑन आर्ट एंड कल्चर। इस स्पेशल क्लास में वील बी डिस्कसिंग द MCQs, अभी तक जितना कवर करा है उसका रिविजन करेंगे। कोई भी डाउट मेरी क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो, पिन मी इन द कॉमेंट्स ऑफ द स्पेशल क्लास, आई विल हेल्प यू विद द सेम। विजय, दिस इज जो चैप्टर का नाम है डियर, इंडियन लिटरेचर, इसी नाम से चैप्टर दिया हुआ है नितिन सिन्हा ने। मुझे स्ट्रीट थ्रू द चैप्टर, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव, सी यू ऑल एट 9:15, हैव योर डिनर्स बाय देन, सो वी ऑलमोस्ट हैव 45 मिनट्स टू आवरसेल्व्स। सी यू एट 9:15, बी अ पार्ट ऑफ द सेशन। लिंक ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर हो गया है फॉर ऑल द पीपल हु आर न्यू। वन ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी शेयरिंग द लिंक इन टेलीग्राम, टू ऐड योरसेल्फ देयर, ठीक है। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव, सी यू एट 9:15। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू।